नहीं, कल तो आप सब लोग जानते ही हैं, पहले से ही मालूम था आपको कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। तो सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में, दोनों मतलब कि फरवरी महीने में ही, तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वह भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था, तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे। लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, गए भी जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल सब लोग एक साथ गए, तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों का किराय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी, लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं, तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। और चूंकि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ मिनटों का 40-41 उस समय तो वार चल रहा था दुनिया में, तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है, ये उपयुक्त तो नहीं होगा। एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना, उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसको, उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपनी अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यानपूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सबको दिया। आप तो होपफुल, आप तो होपफुल हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या राज्य सरकार फिर अपने नहीं, ये तो उसके बाद देखा जाएगा, अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जितने जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये तो देश भर के लिए मामला है ना, कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना कोई ऐसी बात। जातिगत जनगणना होनी, तो जनगणना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फिगर पता चलेगा, ये तो हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन सिर्फ बिहार से ये बात नहीं उठ रही है। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी राज्यों से ये बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा। हम लोगों के यहाँ तो एक साथ रिजोल्यूशन हुआ था, हम लोग एक साथ मिलकर के चले गए मिलने के लिए, वो एक बात है। इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को लेकर के कोई मतभेद नहीं, चले गए, तो हर जगह से ये बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर
केंद्र सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, लेकिन निर्णय लेने का हक तो उनको है, उनको है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बात बहुत ही, जिसको कहिए कि एकदम विस्तृत रूप से, और क्या क्या इसका लाभ होगा ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने रख दिया, और ये उम्मीद है कि जरूर इस पर गौर करें। पीएम से मुलाकात के बाद किस तरह की विश्वास बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जितना कहें और जितना प्रेम से वो सब बात सुने, तो हम लोग तो यही मानेंगे कि जरूर इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय लेंगे, यही लग रहा है। क्या क्या देश राज्य के दर्जे की मांग की तरह अगर साइलेंट होने की स्थिति पैदा हो जाती है तो कोई टाइम लिमिट होगा, कब तक इंतजार करेंगे? नहीं, ये तो बात आएगी ना, अभी तो होना है ना, अभी तो जो सेंसस चलेगा ना, तो चलेगा, अभी शुरू होने वाला है कुछ दिन के बाद, अभी तो चलने वाला है, तो उसके पहले ही ये निर्णय होगा ना। एक होता है कि शुरू हो गया, एक होता अभी शुरू तो हुआ नहीं, तो जब निर्णय लेंगे तो उसी के आधार पर जनगणना होगी ना। तो सारी बात को कह दिया, और ये बात लोक हित में है, पूरे देश के हित में है, ये इस बात का निर्णय लेना। क्या चीज करना, उसके बारे में तो पूरा जानकारी पूरी नहीं, सब लोग को कोई खबर नहीं पता। पटना एयरपोर्ट के लिए तो हम लोग इतना ज्यादा किए हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग किया गया है, और आप तो जानते हैं भी कुछ ही महीना पहले जो उन लोगों की राय थी उसके आधार पर आकर के सब कुछ दिए। तो ये तो जो चीज है ये तो बहुत अच्छे ढंग से है, इसके विस्तार के लिए और हर प्रकार से और भी हम लोगों ने सहयोग किया है। ABP News आपको रखे आगे।